साथिया तेरे बिना मैं ना जीऊं, साथिया तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। वाह, हाँ उसने एक नया वेबसाइट बनाया है, वो सुधीर को दिखाना चाहती है। आज सुधीर इतना उदास क्यों लग रहा है? वो उदास है क्योंकि शादी की बात आगे नहीं बढ़ी ना, वो उस चीज से बाहर नहीं आ पाया। पर ऐसा क्या हुआ? सुधीर के पिता ने उनकी सहमति लड़की के पिता को बताई, पर लड़की वालों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन ये बात उससे मत पूछना। शादी ब्याह का योग होता है। अब मुझे और सतीश को ही देख लो, अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, इतना प्यार था हमारे बीच। एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आपका हमारे स्कूल में आना मुझे थोड़ा बहुत तो अजीब लगा। उस करण को आप सहती कैसे हो? इसका 12th जब तक खत्म नहीं होता हमें यहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पर वो अकेले भी स्कूल जा सकती है, लेकिन दिल्ली में ना ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे आगे क्या करना है सब इस पे डिपेंड है। तारा और सुधीर इतने करीब क्यों हैं मुझे अब समझ में आया, वो बात नहीं कर सकती ना। एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट आओ ना। तुमने मुझे यहाँ डांटने के लिए बुलाया है? मुझे किसके सामने क्या बोलना चाहिए मुझे समझ नहीं आता, सॉरी। ए, मुझे तुम्हारी यही क्वालिटी बहुत पसंद है। तुमसे कुछ समय के लिए मुझे बात करनी थी ताकि अपने दिल की बात तुम्हें बता सकूं। कह दो। मैं तुमको पसंद करता हूं। मुझको? अरे तुम इसमें इतना चौंकी क्यों? मैं कहाँ चौकी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें बताने से पहले मैंने बहुत सोचा। अच्छा तुम्हें मेरे अभिनय के जुनून के बारे में पता तो है ना? तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर क्या भरा है। क्या इससे तुम मेरी जीवन साथी बनने से हिचकिचाओगी या एक्सेप्ट करोगी? नमस्ते सर। सब लोग आ गए ना? आर्ट डिपार्टमेंट के लोग 2 घंटे पहले आ गए थे। ओके। सर आज संडे है ना, तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। नहीं कोई बात नहीं। अरे वो निकला या नहीं? 1 घंटा पहले निकल चुका है पर वो यहाँ पहुंचा नहीं है। उसकी तो मैं आने तो एक सब चाहे। अरे पहले दूसरों को देना, बाद में देना मुझे। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी, वो क्या है ना क्रू अभी तक रास्ते में ही है, पहुंचा नहीं है। पर मुकेश सर तो आ गए ना? वो तो प्रोफेशनल है सर, वो यहाँ पर मेकअप के साथ ठीक 8 बजे रेडी मिलते हैं। क्या मैं उनसे अभी मिल सकता हूँ? इस वक्त उनसे कोई भी नहीं मिल सकता है सर, उनका अभी मूड ठीक नहीं है ना। उनसे कहो तुम बैंक मैनेजर हो तो पहचान बनाना आसान हो जाएगा। ये बैंक के अंदर रेल क्या कर रही है? लगता है तू मेरा करियर बर्बाद कर देगा, इतनी समझ तो होनी चाहिए थी ना। सुधीर तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ काम करता हूँ। सुधीर बात मेकअप ब्रांच मैनेजर, क्या बात है। मैंने तुम्हें फिल्मों में देखा है। हाँ तेरा तो कोई अता पता ही नहीं था यार, अब तक कोची में सेटल होने के बाद मेरे सारे पुराने कॉन्टेक्ट गुम हो गए। मुझे तुम पर गर्व है, थोड़े मोटे हो गए तुम। वो खाना और पीने की वजह से। ए, मैं आज जो हूँ उससे मुझे जज मत करना, अगले साल मैं फिल्मों का मेन हीरो बनने वाला हूँ, समझा? फिर से वही का वही सेम डायलॉग है। सर जी, आपका शॉट रेडी है और मुकेश सर गुस्से में है। तो तू यहीं पर रहेगा ना? मुझे तेरे साथ 10 सालों के किस्से शेयर करने हैं, बस एक सीन करता हूँ और वापस आता हूँ। इसकी खातिरदारी करना मेरा दोस्त है। चलो। तुम उस बैंक मैनेजर को जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है,
पूरे 10 साल बाद उससे मिल रहा हूँ। तब तो अच्छी बात है। कैसे? हमें 4 बजे तक की शूटिंग की परमिशन मिली है। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि हमें 10 बजे तक का समय चाहिए ही होगा। क्या तो तुम्हारा दोस्त यहाँ पे काम आ सकता है। मैं उससे बात करूंगा। हाँ। अभी रेडी हो जाता हूँ। हाँ। चलो ओके। एक्शन। ब्रेक। ए सुना। हाँ। मेरी ट्रेन छूट जाएगी। ओ अच्छा, कल तक तुझे अलाथुर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं संभाल लूंगा। मुझे शॉट देने दे, तू यहीं पे बैठ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। रोलिंग। एक्शन। बैकअप। आईना आईना। अरे पलट ना। मुकेश भैया आओ ना भाई, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये यहीं बैंक में काम करता है। हेलो। नमस्ते जी। मुकेश भाई, दरअसल ये जो केबिन है ना, ये इसी का है। अच्छा, बैठिए। बैठ जाओ ना। सर को भी अलाथुर जल्द से जल्द पहुंचना है। पर शुक्रिया सर, अगर ये शॉट आज पूरा नहीं होता ना, तो हमें रिलीज डेट को आगे बढ़ाना पड़ता। वो शायद इस समय मुझे अलाथुर के लिए बस नहीं मिलेगी। अरे भाई, तुमने हमारे लिए इतनी तकलीफ उठाई है, तो हम क्या तुम्हें बस से भेजेंगे, है ना मुकेश भाई? मैंने कहा ना कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आप लालटन की फिल्म की शूटिंग के लिए पालक्कड़ तो जा ही रहे हो ना? हाँ। तो आपकी गाड़ी में एक आदमी की जगह है ना? हाँ। तो क्या आप सुधीर को भी अपने साथ लेकर जा सकते हो? अब इसमें थोड़ी मुश्किल होगी, हमारा बैंगलोर में अभी 1 हफ्ते का शूट और बाकी है। प्लीज मुकेश भाई, उसे साथ ले जाओ। अरे यार, इसे टैक्सी दिला दो, वो इतनी देर तक यहाँ रुका रहा। प्रोड्यूसर मान ही नहीं रहा है। ये प्रोड्यूसर भी ना। प्लीज मुकेश भाई। ठीक है। थैंक्स भाई। मुझे अपने घर जाकर अपना सामान लेकर आना होगा। उसकी फिक्र मत करो आप, वो सब हम संभाल लेंगे। आपका नाम क्या है? सुधीर वाल बेगम। ये सुसु सरनेम है क्या? वो क्या है ना कि ये हकलाता है। ओ, ऐसी बात है। हाँ। अच्छा है। यहाँ पर तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे आज के बाद हम मिलते रहेंगे। अब अगर तू मुझे कॉल नहीं करेगा ना, तो मैं तो करूंगा ही। वैसे मैं अपने स्कूल में तो आने ही वाला हूँ। अपने करण और ऋतिक रोशन को बता देना। और ऐसे नहीं, 2 साल के बाद, जैसे कि फिल्मों में होता है। ठीक है, मिलते हैं। अरे सुन, बाइक रोकना। क्या हुआ? मुकेश जी है क्या? वो देख। मुकेश कहाँ? अरे वो गाड़ी में। देख, अंदर कोई लड़की भी है क्या? अरे वाह, क्या बात है यार, लगता है ये किसी का इंतजार कर रहे हैं, तभी सो रहे हैं। हेलो 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 सर। सर एक सेल्फी चाहिए थी अभी। हाँ, हाँ सर। जरा मुस्कुराइए ना सर। वैसे सर, कौन सी फिल्म चल रही है? मुझे सोने दीजिए, अभी आप लोग जाइए। अच्छा नाम है। हीरो कौन है? प्लीज जाइए ना आप लोग। अरे छोड़ ना यार, ये तो नखरा कर रहे हैं। निकले यार, पैसे की गर्मी दिखा रहे हैं। अब
दुबे, अरे यार वो बैंक मैनेजर कहाँ रह गया? तुम्हें तो सोने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। उसे गए तो बहुत वक्त हो चुका है सर। पता है ना 11 बजे के बाद मेरा बर्ताव कैसा हो जाता है। आ, आप अपने बर्ताव की बात करो, आपका बर्ताव अच्छा ही कब था? मुझे तो मनोज का असिस्टेंट बन जाना चाहिए था। अरे ड्राइवर कहाँ है? अरे अरे बाप रे, वो कहाँ चला गया? और गर्म पानी कहाँ है? ये रहा सर, ये रहा। ये ठंडा है। 8 घंटे के बाद ये भी ठंडा ही हो जाएगा ना सर। हाँ वो देखो अखिलेश सर आ रहे हैं। ये इतनी रात को इतना तैयार होकर क्यों आ रहा है? शायद आपको इंप्रेस करने के लिए। ज्यादा बात करे ना तो फौरन डांट देना। मुझे काफी देर हो गई तो ऐसा लगता है कि अब मुझे वहां जाने के लिए बस नहीं मिलेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे जो भी हुआ सब अच्छा ही हुआ है, अब सोच कर रहे हो बैठ जाओ अंदर। कान में रू डालनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो इसे एम्बुलेंस ही भेज देते। वो ड्राइवर कहां मर गया? हेलो सर, इतनी रात को हॉर्न बजाना एसोसिएशन के रूल्स के खिलाफ है। अरे कहां चला गया था बाबू, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करना। करने गया था, बैठो भाई। चल भाई बहुत लेट हो चुके हैं। मैं एसोसिएशन में कमेटी मेंबर हूं। ए गाड़ी चालू कर दुबे। वो प्रोडक्शन का बैग पीछे की सीट पे रखा है तो इसलिए मैं यहीं बैठ गया सर। नहीं मैं आगे जाके बैठ जाता हूँ, मैनेज कर लूंगा। किसको भाई, किसको? अरे हाँ अंदर किसको ना। हाँ ऐसे बैठोगे तो पुलिस चालान काटेगी। रात को वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं। अभी बैठ तो गए हो पर फाइन भरने के लिए तैयार रहना। पुलिस वाले ये नहीं देखते कि किसकी गाड़ी है किसकी नहीं, पहले ये डिसाइड कर लो कि कौन कहाँ बैठेगा। सुन ये गाना मत कर दे, मुकेश भाई को सुना है, कल सुबह उनकी मॉर्निंग शूट है। उन्हीं की फिल्म का गाना है, अभी जरूरत नहीं है इसकी। सर मैंने आपकी कई फिल्में देखी हैं, बोइंग बोइंग मेरी फेवरेट फिल्म है। दुबे तुमने गॉडफादर नहीं देखी क्या? दुबे मुकेश सर को सोना है अभी। अरे सर आप सो जाइए, आपको नींद आ रही है। बहुत मेहरबानी, आप चुप रहोगे तो सब शांति से पहुंच जाएंगे। जरा रुक दीजिए। यहाँ क्यों उतर रहे हो? सर चलता हूं, जाइए आप, मैं बस ढूंढ लूंगा। हाँ ठीक है जाना तो जाओ, चल भाई ड्राइवर चल। अब दुबे आपको परेशान किया, माफी चाहता हूँ। इतने करीब से आपको देखा तो एक्साइटमेंट बढ़ गया। सॉरी। अंदर बैठो, बोला ना बैठो दुबे। अरे उन्हें गुस्सा क्यों दिला रहे, बोल रहे हैं तो बैठ जाओ ना। आपको सच में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना दुबे? अरे गाड़ी स्टार्ट करना। ये बात मुझसे भी कह सकते थे हर बार दुबे दुबे, ऐसा लगता है जैसे। अलाथुर में कौन रहता है? सभी वही हैं सर, परिवार दोस्त रिश्तेदार। जैसे कॉलम आपके लिए, मेरे लिए अलाथुर है। चाहे कहीं भी रहूं लेकिन मन तो घर पे ही रहता है। घर जहां मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की, उससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। आशीष दुबे, विकास विहारी, आनंद कुमार। अपना नाम बताओ बेटा। ये हकलाता है टीचर। साइलेंस। ये हम लोग तेरे साथ नहीं खेलेंगे, तू जा यहाँ से। चलो हम खेलते हैं। अकड़ बकड़ बम बेबो 80 90 पूरे 100 में लगा था। क्या हुआ सुधीर, ऐसे उदास क्यों खड़े हो? हाँ बोलो ना क्या हुआ। ये हकले इधर आ।
अरे कहाँ जा रहे हैं रुकना, अरे तुझे ही बुला रहे हैं। अरे आगा, अरे इधर सुन तो यार, क्या भाव आ रहा है? बहुत भाव। तुम अपनी माँ के साथ मंदिर क्यों नहीं गए? त्योहार के लिए दुकानें तो अब तक खुल गई होंगी, तुम्हें मिठाई नहीं खानी है क्या? क्या क्या मैं बड़ा होने के बाद भी ऐसा ही रहूंगा पापा? अरे तुम में कोई खराबी नहीं है बेटा, ये लो एलिस इन वंडरलैंड। दुनिया के जितने भी बच्चे हैं ना, वो इस किताब को पढ़ते हैं। इस किताब को लिखा है लुईस कैरल ने। उसे भी तुम्हारी तरह एक छोटी सी समस्या थी, लेकिन उसके कारण वो कहीं रुका क्या? वो इतना महान आदमी बन गया है। उनकी तरह ऐसे ही बहुत सारे महान दिग्गज लोग हैं, है? जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, और जैसे हमारे मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपाद। ऐसे और कितने लोग होंगे सोचो तो, है? अब भी तुम इस बात को लेकर परेशान होते रहोगे? नहीं। मुझे दिलासा देने के लिए पापा मुझे समझाया करते थे, पर जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी समस्या भी बढ़ने लगी। बीन्स, गोभी, हरी मिर्ची। अरे भाई बिल बना कर दो। हाँ टीचर, आपको क्या चाहिए? 3 किलो आलू और 2 किलो प्याज, थोड़ा धनिया भी दे देना। धनिया का दाम बहुत बढ़ गया है टीचर, थोड़ा दे देना। अरे भैया आपको क्या चाहिए बताइए ना, क्या चाहिए? आलू चाहिए, कैबेज चाहिए। अरे भैया जल्दी बताइए ना, हमको बहुत सारा काम है। कॉलीफ्लावर चाहिए। अरे तो ऐसा बोलिए ना भैया, यह 1 किलो 50 रुपए, ये लो। हाँ धंधे का टाइम है ना। आ गए। गुड मॉर्निंग। ये आपके लिए डॉक्टर। क्या है ये? माने अंडे लाने के लिए कहा था, पर मैं कॉलीफ्लावर ले आया। अच्छा है। थोड़ा जल्दी करो ना डॉक्टर, टाइम तो लगेगा। पर क्यों डॉक्टर? मैंने अभी तक नहाया नहीं है ना, इसलिए। नहाना जरूरी है क्या डॉक्टर? नहीं नहीं, नहाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आ जाओ। अब तुम ये सोचो कि समुंदर के किनारे तुम एक बहुत ही सुंदर घर में बैठे हुए हो, है ना? नहीं। तो फिर कहाँ बैठे हो? वो सब्जी वाले की दुकान पर। ओ, कोई बात नहीं, तुम्हें दिख क्या रहा है? मुर्गी का अंडा। फाड़ में गया तुम्हारा अंडा, आंखें खोलो। मेरे दिमाग से वो निकल नहीं रहा डॉक्टर। ओके ओके ओके, अब जरा उस तरफ उस बिंदु को देखो। कौन सा बिंदु? फाड़ में गया। अपना हाथ दो जरा, तुम्हें कनेक्शन फील हो रहा है? थोड़ा अभी तसल्ली हो रही है ना? मेरी गर्दन दर्द कर रही है। तुम्हें जो एक्सरसाइज करने के लिए कहा है वो तुम रोज कर रहे हो? ABCD बोलना है तुम्हें, बोलो। ABCDEFGHIJ K। ओके, पिछली बार कौन से अक्षर पे हकलाए थे? जे। जे। इस बार के है ना? इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब तुम ये पढ़ो, ये वाला। हाँ पढ़ो। पति के बिना एक रात में, खूबसूरत रात में, पढ़ो। ए ए ए ए ए ही है, मैंने पढ़ा है। येथु कृष्ण का हाथ धीरे से, बहुत ही धीरे से आगे बढ़ा। इसके बाद उसने फट से 90 की जिप खोली। खोलने के बाद हुक ब्रा ब्रा। वेरी गुड, अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। डॉक्टर जब मैं जान पहचान वाले लोगों से बात करता हूँ तो हकलाता हूँ। ऐसा ही होता है, तुम पहचान के लोगों से घबराते नहीं हो। गाता हूँ तो नहीं हकलाता हूँ। तो तुम जैसे गाते हो वैसे ही बात करो। ऐसा कैसे? बहुत सिंपल है। आज तुम्हें अंडे खरीदते वक्त बहुत दिक्कत आई ना, तो अब तुम सुनो कि अंडे कैसे और बाकी चीजें कैसे खरीदते हैं एक दुकान से गाने के जरिए। हाँ। मुझको 10 अंडे दे दो और 1/2 किलो प्याज दे दो, 5 किलो चावल दे दो, पैसे कितने ये बताओ। सो सिंपल।
तो अब से जब भी तुम हकलाओगे तो ऐसे बात करने की कोशिश करो। अब कल से मसल रिलैक्सेशन के लिए इस तरह से टंग का एक्सरसाइज करोगे, ठीक है? मेरी तरह करो, ओके? और मुझे इसे दिन में कितनी बार करना पड़ेगा? तुम दिन में जितनी बार ये एक्सरसाइज करोगे उतना ही मसल तुम्हारा रिलैक्स होगा, ओके? तू मेरी है, मैं तेरा हूँ, जान ले तू ये, क्या बात है? तू मेरी है, मैं तेरा हूँ, जान ले तू। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाते हो तुम। नेक्स्ट टाइम एक बशीर का गाना सुनाना। अरे वो भी गाना होता है क्या? We should actually develop this community. Chennai SSG is doing very well and members are showing great progress. हमारा हकलापन ठीक हो जाएगा तो हम लोग कोड़ाई कनाल के टूर पे चलेंगे। ऐसा क्यों बीजू? क्या हम अभी कोड़ाई कनाल नहीं जा सकते क्या? Wrong thinking, बीजू। Stammering का कोई क्योर नहीं है। You should learn to live with that. ऐसी डराने वाली बातें मत करो सर। बहू का इश्यू तो मुझे पता है, कुछ और प्रॉब्लम हो तो बताओ। मेरी पोती के साथ बात करना उसे ये पसंद नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि वो बच्ची भी हकलाने लगेगी। Never. मैं अपनी पोती के साथ बात करना कैसे बंद कर सकता हूँ सर? वो सुधीर के स्कूल में पढ़ती है। वो सब ठीक हो जाएगा भाई। कौन सी नई चीज है जो तुम कल से करने वाले हो वो बताओ। मैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कल से ही शुरू करूंगा। वंडरफुल। और आप? मेडिटेशन, वही कुछ दिन से नहीं कर पा रहा हूँ, उसे शुरू करेंगे। वेरी गुड। वाह सुधीर, वाटर थेरेपी कल अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। अरे आगे भी तो कुछ बोलना। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नहीं नहीं, ये सब हिंदी में बोलना है। हिंदी टफ है ना, अगर अंग्रेजी में बोलूंगा तो आसानी होगी। चल बाहर आजा, बहुत हो गई तेरी वाटर थेरेपी। इज्जत से लीव ले ले और आज मेरे साथ चल, क्योंकि आज जयंत भी नहीं आ रहा है, पता है? आज नहीं आ सकता, स्कूल से लीव नहीं ले सकता। मैं जान ले लूंगा तेरी। तेरी जरूरतों में मैं तेरे साथ होता हूँ और मेरे मतलब पे तू गायब हो जाता है, क्यों? ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ सब ठीक होगा, चिंता मत करो। देवी भगवती ही शारदालादि कृष्ण मोह महामाया प्रचति दुर्गे स्मिता हर्षवेति महेश दंतो षष्ठे सुता मति मतिम च भगवान जी मुझे अकलाना नहीं। हारिणी कातु कन्या सर्वोपकार करणाय सदा कर चित्ता सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फोन बज रहा है, कौन हो सकता है? लो बंद हो गया। फोन बज रहा था, उठाया क्यों नहीं? मेरा दिन खराब हो जाता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ माँ। अरे क्यों माँ माँ कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि चीनी खाना थोड़ा कम कर दूँ, डायबिटीज होने का खतरा रहता है ज्यादा चीनी से। अपना मुंह बंद कर, तुझे कैसे हो सकता है डायबिटीज? सुबह सुबह थोड़ा शांत नहीं रह सकता? श्री राम जय राम जय जय राम। एक साल हो गया तब से पापा का कोलेस्ट्रॉल हमने अभी तक चेक नहीं करवाया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। क्यों ना करूं? पिछली बार रिपोर्ट में LDL 180 तक आया था। कल सुबह ही चेक करवा लेते हैं, ठीक रहेगा। मैं भी शुगर चेक करवा लूंगा। और माँ तुम भी ध्यान रखो जरा अपने खाने पीने का, थोड़ा दो बस। आप सुन रहे कि नहीं? हाँ? टेस्ट करवाना है। हाँ। अरे ये इतना कम क्यों खा रहा है? क्या हुआ तुझे, इतना कम क्यों खाया तूने? अगर डोसा होता तो तीन खा लेता। बड़ा आया खाने वाला, मैं तो जानती हूँ तुझे। फोन ऊपर ही भूल गया मैं। मैं लेकर आती हूँ बेटा। अपने पैरों में दर्द बढ़ाना है क्या? सुनिए, आजकल इसका हकलाना थोड़ा कम हो गया नहीं? हाँ, गांव के मंदिर में जाकर हमें फिर से उसकी जीप पे लिखवाना चाहिए। मैंने कल एक मन्नत शुरू हो गए। आप अपनी मन्नतें कब बंद करेंगे? अरे पिछले महीने ही तो आपने 12,000 खर्च कर दिए थे, याद है ना? गलत क्या है? हाँ? वो मेरे पेंशन का पैसा है। तो फिर अगली बार मैं उसके वजन जितना मक्खन चढ़ाऊंगा। सिर्फ मक्खन से क्या होगा, मैं तो कहती हूँ सोना भी चढ़ा दीजिए। हाँ वो भी कर दूंगा, पहले शांति से खाने तो दो मुझे। कैसे हो? अरे सुधीर, मोहन के साथ लड़की देखने नहीं जा रहे हो क्या? नहीं जा रहा, स्कूल में बहुत काम है। हाँ मैं भी इंस्पेक्शन पे जा रहा हूँ, इस नौकरी से तो मैं तंग आ गया।
मुझे बहुत सफर करना पड़ता है। ओह अब इसका फोन आ गया। हेलो सर, ऑफिस में कॉल करके बता दीजिएगा या ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। मुझे फोन करके कोई फायदा नहीं होगा सर, आई एम हेल्पलेस, प्लीज अंडरस्टैंड। द होल कस्टमर केयर इज स्ट्रीमलाइंड एंड ऑनलाइन सर। ऑफ कोर्स सर, ओके। आज सस्ता बस लेट है क्या? हाँ आज उसकी ब्रेकडाउन हो गई है, थोड़ा वेट करो दूसरी बस आ रही होगी। ब्रेकडाउन? हाँ क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस सस्ता बस में सफर करता हूँ। कब से कर रहे हो? 3 साल की उम्र से। चलो कुल्लूर आ गया, कुल्लूर आ गया। ए नाच मत भाई, नीचे उतर, जल्दी उतर, जल्दी उतर ना। चलो 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 चलो, जल्दी करो। तू नहीं चढ़ेगा क्या? आना, खड़े खड़े सोच क्या रहा है? आना भाई, चलो 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 चलो, बड़ा बड़ा बड़ा। टिकट टिकट टिकट, हाँ टिकट, कहाँ जाना है आपको? अगले स्टॉप की दे दो। हाँ दो टिकट टिकट टिकट। चाचा कहाँ जाना है? हाँ ये लो पकड़ो टिकट। दो टिकट मुझे भी दो। हाँ माता जी बोलिए, ये लीजिए चेंज। टिकट टिकट टिकट, चाचा कहाँ जाना है? अरे बताओ ना, थैया क्या कर रहे हो? ये बस है, कोई स्टेज नहीं है। क्या कहा? एरी मयूर। इतनी देर से ये कह रहा था। ले पकड़ टिकट टिकट। हाँ बोलिए कहाँ जाना है? हाँ टिकट टिकट। आगे अंकल जी आपका टिकट। क्या कर रहा है? हट जा, इतनी कम उम्र में पगला गया है ये। मैं ताता मंगलम नहीं बोल पाया इसलिए इरु मयार में उतर गया, वहां से ऑटो लेकर स्कूल गया। H, me, Sen, Chi, Wu, Ruk, Sach, one more. H, me, Sen, Sudhi, Us, continue. H, me. अरे लेट क्यों हो गया? हाँ बता भाई, बोलना। सस्ता बस की ब्रेक थी डाउन, तो मैं आया मेरी मादा से। कंडक्टर ने उतारा एरी मयूर, तो ऑटो पकड़ के यहाँ पे आया। ओ, समझ गया ना? हाँ समझ गया। ये नई टेक्निक है क्या? तू अब से ऐसी बात करेगा? मुझे ऐसे कहना पड़ा क्योंकि अरे वो करण आया है, क्लास के बाद उसने मुझे ऑफिस में मिलने बुलाया है। सिक्स स्टैंडर्ड का फीस कितना है मैडम? 28,270। ध्यान दीजिएगा, स्कूल की स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा। बशीर भैया। हाँ मैं पोती की फीस भरने आया हूँ। पीटीए मीटिंग की फाइल देखी है तुमने सुधीर? मुझे सांस तो ले लेने दो। अभी ले लिया सांस? हाँ सांस ले लिया। करण सर आते ही सबसे पहले वही फाइल मांगेंगे, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। ये लीजिए रिसीट। थैंक यू निर्मला। सुधीर हाँ अब मैं चलता हूँ। ठीक ठीक है ठीक है। तुम सब जगह ढूंढ रही थी तो यहाँ ढूंढना चाहिए था ना? ये लो पकड़ो इसे। ओह थैंक यू। हाँ यही है। हाँ तो तुम आज आ गए? आता हूँ या कभी कभी नहीं आता। पे उनका काम कर। एक क्लर्क और पीयून में कोई अंतर नहीं होता है। करण सर इंतजार कर रहे हैं आपका, जाइए।
डांट सुनने के लिए तैयार रहना। इस स्कूल की प्रोग्रेस हो यही मैं चाहता हूँ। मैनेजर के तौर पे मैनेजमेंट भी यही सोचता है। मैं ये अगले मीटिंग में मैनेजमेंट के सामने स्ट्रांगली पेश करूंगा। ये सब बोलकर समय बर्बाद मत करो, अंदर आ जाओ भाई। पीडीएफ फाइल। चलिए अब मैं निकलता हूँ। अलाथुर में नए होटल का काम चालू है, कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है, लेकिन अगर जाके नहीं देखूंगा तो बात बिगड़ सकती है। ठीक है, आओ भाई, तुमसे बात करनी है। क्या हाल है, क्या चल रहा है? सितंबर तक का अकाउंट्स कंप्लीट कर दिया है। बीएड कोर्स की कंप्लीट फॉलोअप फाइल्स आज मेरे घर पहुंचा देना, कल मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग है। अरे सर, आप जा रहे हो क्या? मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है तुम किसी सीरियल में अभिनेता का काम कर रहे हो, ये सब क्या चल रहा है? तुम एक स्कूल के मास्टर हो ना? सर मैंने श्रीदेवी मैडम से परमिशन तो ले ली थी, और मैं वो सब स्कूल ड्यूटी के बाद ही करता रहता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगे। मुझे भी यहाँ ज्यादा दिन कहाँ रुकना है, कोई दिलचस्पी नहीं है रुकने में, और वैसे भी अभिनय तो मेरे खून में है। उस सीरियल में तुम कोई पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं कर सकते थे क्या? विलन के रूप में तुम बिल्कुल भी फिट नहीं होते। टीवी पर देखने के बाद जब बच्चे तुमसे मिलेंगे तो डरेंगे नहीं क्या? हर कहानी में विलन की जरूरत होती है सर। वैसे भी आज का एपिसोड आपको देखना चाहिए, एंड फ्रीज, और आप मुझे ही देखोगे। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? संडे था सर। मत भूलो, संडे को भी इस स्कूल में बहुत कुछ होता है, जब बोला आना है तो आना होगा, समझे? उम्मीद है तुम्हें पता होगा कि तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे सपोर्ट की वजह से टिके हुए हो। अगर दोबारा गलती की ना, तुम्हें यहाँ से निकालने में मैं बिल्कुल देरी नहीं करूँगा। क्या बोलना है बोलो। सॉरी सर, टेंशन के कारण। टेंशन? अगर तुम इस स्कूल से बाहर निकल जाओगे तो पता है ना क्या होगा तुम्हारे साथ? मुंबई की नौकरी छूटी थी तो तुम कैसे भीख मांगते हुए आए थे मेरे पास? दोबारा अगर ऐसी नौबत आ गई तो तुम्हें फिर से भीख मांगनी पड़ सकती है। आई बात समझ में? दुबे, गाड़ी साइड में लगा रहे। क्या भाई, लगता है तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मुकेश सर को आसान आसान काम नहीं है, लेकिन तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था, तुम थोड़ा हटके हो। सर आप सड़क पर ही सुसु करते हैं क्या? अरे भाई, कोई और काम होता तो मैं किसी और से करवा लेता, लेकिन ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। आओ तुम भी कर लो। देख रहे हो वो कैसे हंस रही है। हम साथ में सुसु करेंगे, ये बात तो मैंने कभी सपने में भी सोची नहीं थी सर। हाँ करो भाई, आराम से करो। शीला? हाँ? नाम भले पुराने जमाने का है, लेकिन ये तो नए जमाने की लग रही है, जरा देखो तो। देखो मुझे दो। तुम्हारी इतनी उम्र नहीं, तुम अभी बच्चे हो। पुराने नाम जो होते थे वो राशि के हिसाब से होते थे। मुझे भी। देखो, दो डोसे का ही आटा बचा था, जिसे भूख लगी है वो खा ले। माजी, आपने चटनी बढ़िया बनाई है, प्लीज दो ना। मुझे आपका सांभर बहुत पसंद आया। माँ, ये आपकी तारीफ इसलिए कर रहा है ताकि आप इसे ज्यादा दें। हाँ बेटा, वो पूजा घर से माचिस किसने निकाली? ये लो। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि पूजा की माचिस यहाँ किचन में मत इस्तेमाल किया करो। तो फिर मैं गैस कैसे जलाऊं? भगवान आके गैस जलाएंगे क्या? चुप नहीं रह सकते क्या? जब देखो तब दोनों लड़ते ही रहते हैं, पता नहीं ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम पल है। क्या कहा? मेरी मैया। हम लोग सुधीर के लिए लड़की देखने की बात कर रहे हैं। बात सुन लो, मैंने पहले ही इसे कह दिया था कि वो खुद तय करे, अगर लड़की पसंद है तो खुद जाकर उसे मिल ले, पर उन्हें मुंबई से यहाँ आने की तकलीफ मत दो। इस आदमी से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि इस महीने के 12 तारीख को वो अपनी माँ के पास आने वाली है। वो बात तो मैं भूल ही गया था। बेटे के बारे में तो याद नहीं रहता, और मन्नतें दुनिया भर की मांगते हैं। बीएड बुरा नहीं, आपका क्या ख्याल है? अप्रैल तक शायद उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। शादी के बाद करण सर से बोल के तुम अपने स्कूल में उसकी भी नौकरी लगवा देना। अच्छा सुनो, उनका परिवार और उनके पूर्वज हमारी तरह नहीं है, अगर तुम्हें पूरी तरह से पसंद आए तभी हाँ करना, ठीक है? सुन सुन के तंग आ गया। मेरी शादी की शर्तें
आपको अच्छे से पता है ना क्या? मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़के को देखूंगा, अगर बात नहीं बनेगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। ओ, फिर तो कि क्या, तो हर हफ्ते एक लड़की देखते हुए कोई तरीका होता है क्या? तू सही बोल रहा है। हाँ, तू आ रहा है ना, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। बेटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, एक आदमी की जिंदगी में ये चार आश्रम होते हैं। भले ही गृहस्थ आश्रम कठिन हो पर उसका अनुभव तो लेना ही होगा ना। बहुत बढ़िया, क्या अच्छा ज्ञान दे रहे हो बेटे को। आप जाओ और जाकर पूजा करो। सुन बेटा, ये बता कि मैं दिवाकर को क्या कहूँ। आपने सब बता दिया उन्हें। क्या बताना है उसको? मेरी कमियों के बारे में बता दिया। तू एक काम कर, अपनी कमियों की लिस्ट बना और जाकर उसे दे दे, और आराम से इंतजार कर। देखो, तुम ये सब भूल जाओ और अब उससे मिल ही लो। अरे बेटा, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। इस बार इसकी शादी की बात पक्की हो जाए भगवान। ये शादी, विवाह और मृत्यु जो होती है ना, इनके लिए योग होता है। जब सही समय आता है ना तो ये हो ही जाती हैं। अरे जान दे दूंगी अपनी, अपना मुंह बंद करो। हरिओम हरिओम, जय श्री राम जय श्री राम। स्कूल में ISO सर्टिफिकेशन का इंचार्ज हूँ मैं, उसका सारा बोझ मुझ पर ही रहता है। स्कूल में ISO होता है क्या? क्यों नहीं, I'm in the implementation team। अरे तुम लोग रुक क्यों गए? ये मौसी जी हैं। कुछ लोग अभी भी पुराने ख्यालात के हैं। मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ। मेरे पिताजी बॉम्बे में काम करते हैं इसलिए हम लोग वहाँ रहते हैं, पर मुझे गांव बहुत पसंद है। पर क्या करें, लाइफ में काम भी तो जरूरी है। सही कहा, अब मुझे भी यहाँ की जिंदगी पसंद है। मेट्रो में रखा ही क्या है, हत्या, ब्लास्ट, अब बीमारियाँ। पर वो सब तो यहाँ भी होता है ना। मेरा मतलब है कि यहाँ पर वो सब कम होता है। वो कहे कि मैं बात करते वक्त थोड़ा हकलाता हूँ। पापा ने मुझे बताया था। अच्छा किया, ट्रीटमेंट ले रहा हूँ मैं उसके लिए, फिर भी कभी कभी हकलाता हूँ। मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, चिंता मत करिए। आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है? मैं गाने लिखता हूँ। गाने लिखते हैं? मैंने भी 8वीं क्लास तक गाना सीखा है, फिर बाद में छोड़ दिया। ओह अच्छा। जब से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में पता चला है मुझे काफी टेंशन रहती है। एक मैं ही तो उसका सहारा हूँ। सबके साथ यही होता है, हम बहुत सारे लोगों का सहारा है, ये सोचना जो है ना एक भ्रम है। आप सही कह रहे हैं, हालांकि म्यूजिक अच्छी चीज है। तो अब हम लोग यहाँ से चले सुधीर। सुधीर, तुम कुछ समय के लिए मुंबई में थे, पिताजी ने बताया। तो चलो। नाइस मीटिंग। नाइस मीटिंग। साथिया तेरे बिना मैं ना जीऊं, साथिया तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। वाह। उसने एक नया वेबसाइट बनाया है, वो सुधीर को दिखाना चाहती है। आज सुधीर इतना उदास क्यों लग रहा है? वो उदास है क्योंकि शादी की बात आगे नहीं बढ़ी ना। वो उस चीज से बाहर नहीं आ पाया। पर ऐसा क्या हुआ? सुधीर के पिता ने उनकी सहमति लड़की के पिता को बताई, पर लड़की वालों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन ये बात उससे मत पूछना। शादी ब्याह का योग होता है। अब मुझे और सतीश को ही देख लो, अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, इतना प्यार था हमारे बीच। एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आपका हमारे स्कूल में आना मुझे थोड़ा बहुत तो अजीब लगा। उस करण को आप सहती कैसे हो? इसका 12th जब तक खत्म नहीं होता हमें यहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पर वो अकेले भी स्कूल जा सकती है, लेकिन दिल्ली में ना ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे आगे क्या करना है सब इस पे डिपेंड है। तारा और सुधीर इतने करीब क्यों हैं मुझे अब समझ में आया, वो बात नहीं कर सकती ना। एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट आओ ना। तुमने मुझे यहाँ डांटने के लिए बुलाया है? मुझे किसके सामने क्या बोलना चाहिए मुझे समझ नहीं आता, सॉरी। ए,
मुझे तुम्हारी यही क्वालिटी बहुत पसंद है। तुमसे कुछ समय के लिए मुझे बात करनी थी ताकि अपने दिल की बात तुम्हें बता सकूं। कह दो। मैं तुमको पसंद करता हूं। मुझको? अरे तुम इसमें इतना चौंकी क्यों? मैं कहा चौंकी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें बताने से पहले मैंने बहुत सोचा। अच्छा तुम्हें मेरे अभिनय के जुनून के बारे में पता तो है ना? तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर क्या भरा है। क्या इससे तुम मेरी जीवन साथी बनने से हिचकिचाओगी या एक्सेप्ट करोगी? आधी रात को गाड़ी गरीब फुटपाथ पर सोने वालों पर चढ़ जाती है और ऐसे लोगों पर कोई केस नहीं होता। सुनो, मेरा टूथपेस्ट कहाँ चला गया? रात में ब्रश करने की क्या जरूरत है? मैं रात में ब्रश नहीं करूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तुम जानती हो। तो मत सो ना, आप बाहर जाओ, मुझे देखने दो। आपकी बेटी को। हेलो। हेलो, मैं मुंबई से बालकृष्ण बोल रहा हूँ, पहचाना आपने? हाँ पहचान लिया जी, पहचान लिया, शीला के पिता ना। बेटा उठो तो। हाँ ठीक है, हाँ ऐसा ही करते हैं, मैं पूछकर आपको दोबारा फोन करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। क्या कह रहे थे? उन्हें अभी जल्द से जल्द मुंबई निकलना है। ओ, और क्या बोल रहे थे? यही कि उन्हें पसंद है। जय माँ भगवती, आखिर मेरी बात आपने सुन ही ली। सुनो, अब फैसला तुम्हें करना है, तुम बता दो कि मैं उनसे क्या कह दूं। इसमें फैसला लेने की क्या बात है, इतने अच्छे रिश्ते के लिए देर मत करो, कहीं उसे दूसरा रिश्ता मिल गया तो? तो अगर उसे वहाँ रिश्ता करना है तो करने दो। हाँ? अरे तो हम लोग इस पर फिर से विचार करके निर्णय लेंगे। और क्या विचार करेंगे इसमें, अपनी सहमति दे दो उन्हें बस। हाँ? अब फोन करो उन्हें। हाँ बोल दो। जाओ, ये ब्रश वश बाद में कर सकते हो। ठीक है, बोलता हूँ। कल है डॉक्टर मेरी एंगेजमेंट, और मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। एंगेजमेंट मतलब एंगेज्ड इन प्लीजिंग योर फियांसी, और वो भी इस तरह कि वो तुम्हारी कमियों को समझ जाए। कुछ अच्छी बातें भी क्या कीजिए डॉक्टर, कम से कम मुझे तसल्ली देने के लिए सही। टेंशन मत लो, विवाह दरअसल एक तरह का कॉम्प्रोमाइज होता है। मुझे ही देख लो, 3 बार मैंने शादी की है और 3 बार बिगड़ गया। या तो वो है मजा या फिर है बच्चे, बस यही होती है शादी। इस दुनिया का बड़ा से बड़ा मनोवैज्ञानिक भी आज तक औरत के मन की बात को समझ नहीं पाया। मुझे सगाई के बारे में कुछ बताओ डॉक्टर, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आगे के बारे में सोचूंगा। नहीं नहीं, वहाँ नहीं डॉक्टर। वहाँ क्यों नहीं, ये हिस्सा तुम्हारे शरीर का नहीं है। शियाजु ट्रीटमेंट के लिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसे सही तरीके से करना सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। जापानी तरीका है ये, इसलिए तो इतना महंगा है। पैसे मैं दे दूंगा डॉक्टर, आप कल के बारे में बात कीजिए। ओके, कल के लिए एक बहुत जरूरी बात बताता हूँ। क्या? किसी भी हालत में तुम अपना अंडरवेयर पहनना मत भूलना। हाँ, यही समस्या है, किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग अपने मन में मत आने देना। अंडरवियर से मेरा मतलब था तुम्हारी बनियान, नहीं तो पसीना आएगा और बदबू आएगी। डॉक्टर कल आप भी आओ ना। नहीं, मेरा सिद्धांत है शादी के फंक्शंस में मैं कभी नहीं जाता हूँ। हाँ, पर क्यों? मुझे तबाही पसंद नहीं है। होता क्या है कि मैं जिनकी भी शादी में जाता हूँ उनका डिवोर्स हो ही जाता है। मैं अपनी 3 शादियों में गया था और 3ों में डिवोर्स हो गया। तो फिर आप मत आना। मंगल परिवार के सुसंस्कारी बालकृष्ण और स्वर्गवासी विमला की सुपुत्री शीला, और अलथूर वथमीकम परिवार के शंकर और शांता कुमारी के सुपुत्र सुधीर का विवाह इसी साल आने वाले अश्विन माह के पूर्णिमा तिथि को तय किया जाता है। वो देख, ये जोड़ी कितना अच्छा दिख रहा है। दूल्हा और दुल्हन प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन बिताएं, यही शुभेच्छा। ओम शुभम भवतु। टेंशन मत लो। शुभमस्तु। सगाई में अब वर कन्या अंगूठियां बदल लें। हाँ।
जल्दबाजी मत करना है बेटा। ये बत्ता कौन सी उंगली में? ये वाली उंगली, बाएं हाथ की। ये उसे दीजिए। ये लो बेटा। अरे ये वाले हाथ में नहीं, दूसरे हाथ में। जय मां भगवती। ये तीनों मेरे फ्रेंड्स हैं, जैन, बिजू, मोहन। हाँ मैं नहीं जानती हूँ। तो बता पार्टी कब दे रहा है? सुधीर, फर्स्ट नाइट से पहले दे दोगे ना? ये भी ना। मस्ती कर रहे हैं ये। कांग्रेट्स, थैंक यू, माय बेस्ट विशेस, थैंक यू। पता है ये कौन है? वो बच्ची बात नहीं कर सकती क्या? ये श्रीधर अंकल हैं, यही पास में रहते हैं। किस स्कूल में पढ़ाते हो? ठीक है अच्छा है बेटा, ठीक है अरे हाथ कंधे पर रख, थोड़ा पास खड़ा रहे ना। अरे थोड़ा प्यार से। शर्मा रहा है। फ्रेम से हटो तुम, चलो। हम एक प्रोमो बनाकर इंटरनेट पे डालने वाले हैं, जिसमें आपको शीला के बारे में कुछ बताना होगा। उसकी जरूरत नहीं है। प्लीज, ये यादगार मेमोरी होगी, बस दो शब्द। आप शर्माएंगे तो कैसे चलेगा? ये बोर हो जाएगी। आपको इसकी कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगी जो आपको ये इतनी पसंद आई? इसमें क्वालिटी? कोई क्वालिटी नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तुम कहो तो मैं बताऊं। अरे नहीं नहीं, उनको ही बताने दो। शीला में फर्स्ट क्वालिटी है sincerity. Music. Down to earth. काफी ना? हाँ। तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा वीडियो चैट करती थी, तब तुम्हें नहीं पता चला? मुझे पता था, पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ये बात आज पता चली। शायद ये एक्साइटमेंट के कारण होगा, वहाँ बहुत सारे लोग थे ना इसलिए। पर लोगों से तो मिलना ही पड़ेगा ना, पूरी जिंदगी वो लोगों से ऐसे भाग तो नहीं सकता। बैंगलोर में मेरी एक क्लासमेट थी, वो अभी यहीं पर है, वो एक स्पीच थेरेपिस्ट है। मुझे लगता है तुम्हें उससे मिलना चाहिए, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर पाए। हम बाद में बात करते हैं। किस बारे में बात कर रही हो बेटा? कुछ नहीं अंकल, आपको बाद में पता चल जाएगा। अरे बता के तो जाओ। कुछ नहीं। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ बेटी? माँ की याद आ रही है? तू खुश तो है ना? हाँ?
ये देखो शीला, अच्छा है ना? तुम्हारे लिए स्कूल में नौकरी का इंतजाम कर दिया है। थोड़ा कैपिटेशन फी हमें भरना पड़े, पर फायदा है। मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी सुधीर। तो तुम्हारे प्रिंसिपल की बात करोगी तो हमेशा तुम्हें घर पर ही बैठना पड़ेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए जॉब खुद ढूंढ लूंगी। इस एरिया में यही एक अच्छा स्कूल है, इसलिए कहा। मुंबई में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे ना सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। मुंबई? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। पर क्यों? तुमने कहा था ना कि तुम्हें ये जगह पसंद है। पर मेरे करियर से बढ़ के नहीं है, मैंने ये भी कहा था ना। धीरे बात करो। शीला तुम ऑर्डर करो। ऑर्डर तुम ही करो। ऑर्डर करो ना तुम। तुम ही करो ना। अरे तुम करो। कुछ भी ऑर्डर कर दो, मिलके खा लेना। दो मसाला डोसा। दो वड़ा और एक एक एक। आप बोलो ना, जब तक ये ऑर्डर करेंगे तब तक होटल बंद रहेगी। तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप लोग सोच के बता देना, मैं बाद में आता हूँ ऑर्डर लेने। इसका ऑर्डर लेने के चक्कर में बाकी भाग जाएंगे। कुछ लोग अजीब बर्ताव करते हैं। इधर आओ। सर एक मिनट। सर सुधीर चलो चलते हैं, चलो। अच्छा आदमी लग रहा है। क्या चाहिए सर? और कुछ चाहिए सर? क्यों, क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि ये खुश होने का वक्त है? हैं? और तुम इस समय यहाँ पर ऐसे उदास खड़े हो? उदास नहीं तो? शादी के मामले में ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं, सब संभाल लेंगे हम लोग। कल्याणी आओ 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 आओ, मैं पीछे की तरफ थी। आओ बैठो ना, उसको अभी बुलाती हूँ। बेटी कल्याणी। ये तुम्हारी क्लासमेट है तो क्लोज फ्रेंड होगी, तभी तो हम साथ में न्योता देने आए ना। हाय, आओ अंदर बैठते हैं। अच्छा रिया तुम्हारी कौन है? वो मेरे पापा की भांजी है। अच्छा, हम स्कूल मेट्स थे। बैठिए। रिया ने बताया कि आपको कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? तुम कौन हो? ये एक स्पीच थेरेपिस्ट है। ट्वेंटी फर्स्ट को है ना शादी? शायद मुझे बैंगलोर जाना होगा, नहीं तो मैं जरूर आती। थैंक यू। वैसे दादी जरूर आएंगी, मैं उन्हें बोल दूंगी। मैंने तुम दोनों को यहां इसलिए बुलाया है ताकि हम यहाँ ट्रांसपेरेंट होकर आराम से बात कर सकें। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इज सुधीर के स्टैमरिंग इशू का अब तक तो कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है।
मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर तुम पहले एक्सेप्ट करोगे तो हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, पर ये एक्सेप्ट करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेंगे क्या? ऐसा नहीं है, बहुत से लोग ठीक भी हुए हैं। इट्स ऑल इन द माइंड। मेडिकली स्टैमरिंग पैदाइशी न्यूरल डिसऑर्डर है इन मोस्ट केसेस, सो इट्स अ रियलिटी। और यही बात बहुत से लोग नहीं समझ पाते। उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं पर उसका कोई मतलब नहीं है। अरे सुधीर आ रहा है। हाँ ये तो सुधीर है, तो अपना हीरो आ रहा है। ए सुधीर, ए सुधीर, 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 ए सुधीर, क्या हुआ भाई? अरे क्या सुधीर? हुआ कहाँ जा रहा है? वैसे आज तू स्कूल क्यों नहीं आया? सुन ना, ग्रेगन कल आने वाला है तो तू भी आ जाना घर पे। दारू भी तैयार है। मुझे नहीं आना। ए रुकना, अरे कहाँ जा रहा है? जा कहाँ रहा है? अरे अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है। नहीं मैं थक गया हूँ। अरे हे रुकना, मेरी बात सुन। शादी से पहले बैचलर पार्टी होती है, वो तुम मेरे घर पे रख लो। अगर तुम्हारे घर पे रखेंगे तो तुम्हारे पिताजी नाराज हो सकते हैं। हाँ, और इसकी स्पॉन्सरशिप मेरी तरफ से रहेगी। ये हुई ना बात। क्यों रे, कोई दिक्कत है क्या? ए क्या दिक्कत, हट जा। ए, 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 तू इतना चिढ़ क्यों रहा है बे? कौन चिढ़ा? तू हमेशा जिद करता है और तू जो कहता है वो बाकियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कौन एक्सेप्ट करता है? कौन एक्सेप्ट करता है? अरे मुझे धक्का क्यों दे रहा है? तेरे सारे प्रॉब्लम में हम तेरे साथ रहते हैं और एक लड़की के आते ही तुझे अब हमारी जरूरत नहीं है, यही दोस्ती तेरी? हाँ क्या प्रॉब्लम है? अरे हकलाना मेरा प्रॉब्लम है, मुझे बाइक चलाना नहीं आता, ये मेरा प्रॉब्लम है क्या? छोड़ दो उसे, उसे मुझे मारने दो। मैंने हमेशा सच्ची दोस्ती निभाई और मुझसे ऐसे बात करता है तो तुम्हें मेरा दोस्त होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो, जाने दो मुझे। सही है सुधीर, सुधीर रुक, क्या हुआ यार? मैं भी चलूंगा तेरे साथ घर। नहीं, क्योंकि तुम भी उसी की तरह बात करोगे। अरे यार तुम में से मुझे कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। हे पीटी अकाउंट में सीरियस मिसमैच है, अगले ऑडिट में ये एक बड़ा इशू बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सुधीर मुझे इसकी प्रीवियस हिस्ट्री जल्द से जल्द निकाल के दो। समथिंग इज समवेयर रॉन्ग। ये मुझे देखने दो, इसका दूसरा अकाउंट है। अगर तुम ये काम ठीक से संभाल नहीं सकते हो तो तुम ये काम करते क्यों हो? अरे अंदर आओ। सुधीर तुम जाओ, शीला बोर नहीं होनी चाहिए, करण सर को मैं बोल दूंगी। आज हमें शादी की बहुत तैयारी करनी है, बहुत काम है। तीन चार दिन लगेंगे इस काम में। चलो बाकी सब वेट कर रहे होंगे। सुधीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आ जाओ, आ जाओ बैठो यहाँ। तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ, ठीक है ना? अरे भाई ये गेस्ट के लिए है, उसे चक्कर आ रहे हैं। भगवान भला करे, शादी से पहले ही चक्कर आ रहा है। सही है, पी लो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा सुधीर, मुझे लगता है शायद मुझसे गलती हो गई। हमारा रिश्ता नहीं हो सकता सुधीर। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। देखो हमारी शादी हो जाने के बाद तलाक के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम शादी ही ना करें, हमारे लिए यही अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी ये इतनी बड़ी समस्या है। शायद ये तुम्हारा भ्रम हो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। चाहो तो हम मुंबई चल सकते हैं, मैं यहाँ नौकरी से रिजाइन कर दूंगा।
हकलाना कोई बड़ी समस्या नहीं है। सुधीर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर हम दोनों के लिए यही सही होगा। प्लीज शीला, हम सब संभाल लेंगे, जो करना होगा ना मैं करूंगा। कल हम सब लोग मुंबई वापस जा रहे हैं सुधीर, मेरे पापा बात करने के लिए तुम्हारे घर गए हैं। मैंने सबको बहुत परेशान किया, ये बात मैं तुम्हें खुद बताने यहाँ आई हूँ। सुधीर, तुम्हें मुझसे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। तुम ये नहीं जानती शीला, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सॉरी सुधीर। सुधीर, तुम थोड़ी देर सो जाओ, हम अभी आधे रास्ते ही पहुंचे हैं। मैं जोर से खर्राटे मारता हूं और आपको परेशानी होगी, इसलिए मेरा नहीं सोना ही बेहतर है। आप सो जाइए सर। यस, नाउ यू रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। मास्टर जी, करण सर आपसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं, आप आइए ना सर। ये अभी मुमकिन नहीं है, ये क्लास खत्म होने के बाद ही आऊंगा। सुधीर के बारे में बात करनी है सर। मास्टर जी, हाँ? सांस छोड़ सकती हूँ? अब तक छोड़ी नहीं, जाओ जाके बास्केटबॉल खेलो। हाँ। फाइल कंप्यूटर, तुम्हारी मैडम को इसकी कोई परवाह नहीं है, कॉन्फ्रेंस का नाम लेके वो इधर उधर घूम रही है। श्रीदेवी मैडम दोपहर से पहले आ जाएंगी। ओ मैडम। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, है तुम्हारा वो दोस्त, उसकी शादी रुक गई, इस नाम पे वो बार बार छुट्टी नहीं ले सकता है, ये उसके बाप का स्कूल नहीं है। ये स्कूल तो किसी के भी बाप का नहीं है सर। विजय बाबू सर अगले हफ्ते आने वाले हैं, सर्टिफिकेशन प्रोसेस जब तक खत्म होगा वो यहाँ पहुँच जाएंगे। कौन सा विजय बाबू? तुम लोग भी ना इस स्कूल के ओनर हैं। तो उन्हें आने दो, हम में से कोई भी उनसे नहीं मिले हैं, हमें पहले परिचय करने दो। इस बात के लिए आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं सर? अकाउंट में सैकड़ों मिसमैच हैं, सर के आने से पहले सब ठीक करना होगा। तुम उसे बुलाओ, अगर वो कल नहीं आता तो उसे कहना बाद में आने की कोई जरूरत नहीं है स्कूल में। सर, सुधीर मासूम है, वो आपसे डरता है, आप उसे जो कहोगे वो करेगा, वो अपना काम अच्छे से जानता है। तो मुझसे ऐसी बात मत करो जैसे आप अपने घर के नौकर से करते हो। हम सबको अच्छे से पता है कि अकाउंट्स में मिसमैच क्यों हो रहा है। पिछले 5 साल से आपके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, अभी उसकी जिंदगी की मुश्किल घड़ी है तो आप साथ नहीं दे रहे हो। मैं तो कहूंगा कि आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, या फिर कम से कम ये बात ध्यान में तो रखनी चाहिए, तभी तो आप इंसान कहलाने के लायक हैं, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं है, समझ गए ना आप? ग्रेगन ने स्कूल से कॉल किया था, उसने कहा तुमने और छुट्टी ली तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल होने दो, मैं सह लूंगा पापा। बेटा, जब जिंदगी हमारे सामने ऐसे हालात लाती है तो उस समय हम जैसे लोगों को दुखी होने का मौका भी नहीं मिलता। दुखी होना तो उन अच्छे भले पैसे वाले और धनी लोगों को ही बस हासिल हो पाता है। ये सच है, मैं बड़ा आदमी नहीं बन सका, पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। और फिर मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया है, और तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा बेटा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मुझे ये पूरा यकीन है। जब मैं बाहर जाऊंगा तो सब मुझसे उस बारे में पूछेंगे। बाहर तो जाना ही होगा, और जितने लोग भी तुमसे पूछेंगे उन्हें जवाब देना होगा, ये जरूरी है बेटा। चिंता मत करो, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं। वो तुझे धोखा देकर के बॉम्बे चली गई ना सुधीर? बॉम्बे में तो बहुत रेड लाइट एरिया भाई। क्या हो सुधीर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अरे आओ भाई, हम भी अजनबी थोड़ी है तुम्हारे लिए। ये खाते में लिख लो,
अरे मैं बहुत दिनों से वही कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना? सुन लिया। मैंने जो दवाइयाँ लिख कर दी थी वो तुम ले रहे हो ना? कोई पागल ही होगा जो आपकी लिखी दवाइयाँ खाएगा। थैंक यू। हाँ तुम यहाँ पर हो, देखो इस आदमी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्या क्या तुम मुझे स्कूल छोड़ सकते हो? मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। ठीक है चलो छोड़ दो। कॉन्सेंट्रेशन, तुम ये बहुत समय से कर रहे हो ना? लोग चाहे कुछ भी बोले तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। डीप ब्रीद लो। ए, इसकी फीस तो नहीं लूंगा, इसे बस काउंसलिंग समझ लो, एक फ्रेंडली टॉक। पहली बार एक डॉक्टर के तौर पर तुमने अपनी काबिलियत साबित की। हाँ? नमस्ते भाई। हाँ अभी याद आया कि मैं कल तुमसे नहीं मिला। हाँ, था। क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? क्या बखेड़ा जो हमारे बीच खड़ा कर सकता हूँ? मुझे कैसे भी ड्राइविंग सीखनी है ताकि किसी पर निर्भर ना रहूं। यही स्पिरिट अगर तुम रखोगे ना तो एक हफ्ते में ड्राइविंग सीख जाओगे, देखना। अभी मुझे तसल्ली हुई। अच्छा कैसी चल रही तुम्हारी सीरियल की शूटिंग? कल मैंने रेप सीन किया था, जब टेलीकास्ट होगा तो पता नहीं ये लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। भाई कुछ नहीं होगा, टीवी रेप से कुछ नहीं होता। अरे कुछ कह नहीं सकते, मम्मूटी की नई फिल्म में मैंने एक छोटा सा रोल भी निभाया है। सच में? लेकिन ये बात किसी को बोलना मत, क्योंकि फिल्मी दुनिया में किसी बात की कोई गारंटी नहीं। हो जाएगा। ओहो यहाँ भरत मिलाप चल रहा है और मैडम वहाँ बैठ के इंतजार कर रही है। अरे पहले अपनी चाय खत्म कर उसके बाद ही जाना, चल बैठ चाय पी ले। क्या सुधीर, जापान में लोग इंग्लिश जानने के बावजूद जापानीज में बात करते हैं, फिर भी उन लोगों को अमेरिकन और यूरोपियन की जरूरत पड़ती है। Why? Because they have the knowledge. अपनी नॉलेज को बढ़ाना ही एकमात्र जरिया है बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए और समझने के लिए। हाय। अंदर आ जाओ, तुम कभी समय पर आ सकते हो क्या? ओके, अब मैं बोर्ड पर सेंटेंस लिखती हूँ। ये सब क्या है? ये सब बच्चों में कम्युनिकेशन मोटिवेशन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुछ दिनों के लिए ज्वाइन किया है, कल्याणी नाम है। मैनेजमेंट को धोखा देने की नई चाल है इस करण की। हाँ ये भी हो सकता है। चुड़ैल तू इसको जानता है क्या? ऐसे मारने का मन कर रहा है। मैं तो देखते ही समझ गई थी कि उनकी शादी नहीं हो सकती। अरे वाह आप तो बड़ी समझदार है। अच्छा ये बता उसका नाम क्या है? सुधीर। उसका मजाक मत उड़ा, वो लड़का मुझे बहुत मासूम लगा। अच्छा, जितना मासूम दिखता है ना बिल्कुल भी वैसा नहीं है वो, मुझसे तो बहुत चिढ़ता है। स्कूल में मैंने उसे हेलो कहा, जवाब ही नहीं दिया उसने। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अरे अब आप भी उसका फेवर मत कीजिए दादी, उसे गुस्सा होने दीजिए, कम से कम एक औरत की जिंदगी तो बच गई। 3 महीनों के लिए काम करोगी ये स्कूल वालों को बोल दिया? उनके लिए तो वो भी ज्यादा है, स्कूल सर्टिफिकेशन के लिए जा रहा है और ये सब उसके अच्छे के लिए ही तो हो रहा है। पर स्टूडेंट्स को प्रोग्राम अच्छा लगा और टीचर्स को भी। ओहो खाना खाते वक्त बात नहीं करते और तुम हो कि अपना मुंह कभी बंद नहीं करती। वैसे भी मैं 3 महीने के वेकेशन के मजे लूंगी और बहुत सी एक्टिविटीज में एंगेज हो जाऊंगी, तब समझ आएगा आपको। बशीर जी आपने कहा था आप डायबिटिक हैं? वही। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में फूड हैबिट्स सब कुछ रीअरेंज करते हैं, है ना? सबसे पहले आपको ये कमी कैसे भी करके एक्सेप्ट करनी है, उसके बाद उस हिसाब से आपको अपनी जिंदगी जीनी होगी। सिंपल। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की परेशानियां होती रहती हैं,
लेकिन खुद पर यकीन होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। करेक्ट। जो 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 हकलाते नहीं वो यहाँ क्यों आया है बताओ। सुधीर, मीट कल्याणी, शी इज अ ट्रेनर इन SSG बैंगलोर, वो कुछ समय यहाँ रहेंगी, सो वी कैन मेक यूज ऑफ हर। तुम दोनों पहले मिले हो क्या? पता है इनका असली काम क्या है? दूसरों की शादी तुड़वाना। देखिए ऐसा नहीं है, जब मुझे पता चला तो मैंने शीला को समझाया था। वो नाम आप अपनी जुबान पर मत लाओ, मैं अभी तक उसे बुला नहीं पाया। समझती है इस बात को तुम? आई एम नॉट सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, मैंने जो कहा था वो सही था। क्या तुम भगवान हो सही और गलत बताने के लिए? देखिए मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। hey, और एक बात। क्या हुआ? Stop following me. तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो? विजय बाबू सर के बारे में आप सबने बहुत कुछ सुना होगा। देश विदेश में बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी मल्टी मिलीनियर मल्टी नेशनल कंपनीज में काम करने का अनुभव लिया है उन्होंने। विजय बाबू सर ने इस स्कूल के साथ काम करने का फैसला लिया है जो हमारी प्रगति के लिए है। आज के बाद ये इस आदमी के नीचे काम करेगा, अब देखना कितनी तारीफ होगी। कितना हैंडसम है, ऋतिक रोशन की तरह। विजय बाबू से निवेदन करूंगा कि वे हमें संबोधित करें। आइए सर। माइक सर। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं बहुत सालों से घर से बाहर रह रहा हूँ, अभी लौटा हूँ। अगर घर के लोग हमारा स्वागत और सत्कार करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक वैसा ही आज मुझे महसूस हो रहा है। ये आदमी फिल्मी अभिनय के लिए बढ़िया है। इस स्कूल को मेरे दादाजी ने शुरू किया था। जब मैं छोटा था तो ये बहुत ही छोटा स्कूल था, 4-5 ही क्लासेस थे। दादाजी और पिताजी ने स्कूल से बहुत इज्जत कमाई। मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं वो इज्जत कमा पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर रुक जाऊं और स्कूल की जिम्मेदारी लूं। एनीवे, जब तक ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस खत्म होगा मैं यहीं रहूंगा। आप लोग मुझे अपना दोस्त ही समझिए, क्योंकि हम सब मिलकर ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो थैंक यू, लेट्स डू दिस टुगेदर। क्या शब्द थे, कितना प्रतिभाशाली है। अरे चुप करना यार। कितना बढ़िया बोला। फालतू में दिखावा था, विरासत में मिली हुई इज्जत के कोई मायने नहीं है मेरी नजर में। अब वो अंबानी का बेटा, हमारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सुपरस्टार बहुत अच्छा होता है। देखो वो हमारी उम्र का है, पर देखो वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। उसके माँ बाप ने सही नाम रखा है, विजय बाबू। विजय के लिए पैदा हुआ बाबू। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सिक्स में। सिक्स में? ये लड़की बहुत अच्छी है, उसके पास अच्छे आइडियाज हैं। वो सिर्फ डायलॉग अच्छा मारती है। एक बात बताओ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, वो वैसी ही है। सुधीर। हाँ हाँ बशीर भैया, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं इसे लेने आया था। आपकी बहू के साथ आपकी मुठभेड़ खत्म हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है, जब वैन लेट हो जाती है तो वो मुझे यहाँ स्कूल में इसे लेने के लिए भेज देती है। मैं इस लड़की को शुक्रिया कह रहा था सुधीर। मुझे शुक्रिया मत कहिए, काउंसलिंग आपको याद है ना? है? कुछ दिन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस खुद पर भरोसा रखना। इतना ही क्या कि हंकलाना कभी कभी भी बंद नहीं होगा। वेरी गुड, यही कहा था मैंने जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। अगर इसी सोच के साथ रहोगे तो तुम्हारी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। डायलॉग कोई भी मार सकता है। डायलॉग नहीं मार रही, आई कैन प्रूव इट, पर तुम्हें कॉपरेट करना होगा। कॉपरेट किया तो आई कैन शो यू द डिफरेंस। शर्त लगा लो। शर्त? हाँ मुझे शर्त मंजूर है। ये तुम्हें पढ़ना है। ये तो हिंदी में है। हाँ, जो लैंग्वेज जानते नहीं है उसमें रुकावट कम होती है। मैं पढ़ती हूँ। आने वाली पीढ़ियाँ महात्मा गांधी के बारे में क्या कहेंगी? ये स्कूल के दिनों में मैं बहुत बार लिखा करता था। ये मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। सुधीर ट्राई करो, शर्त याद है ना? अरे ट्राई करो, पढ़ लोगे सुधीर। आने वाले
पीढ़िया आने वा आने वाल आने आने वालों मैंने कहा था ना मैं नहीं पढ़ पाऊंगा बिल्कुल भी मैं शर्त हार गया मैं हार मानता हूँ ठीक है अभी सेम सेंटेंस पर बाउंसिंग अप्लाई करो मुझे बॉलिंग नहीं आती बॉलिंग नहीं बाउंसिंग मतलब इस सेंटेंस के हर शब्द के पहले अक्षर को रिपीट करो मैं दिखाती हूँ आ आ आने वा वा वाली पी पी पीढ़िया लाइक दैट ओके नाउ इट्स योर टर्न आ आ आने वा वा वाली पी पी पीढ़िया ग ग गांधी बा बा बारे का क्या का कहें अब सही है एक्सेलेंट जब तुम हकलाए बिना बात करने की कोशिश करते हो तब हकलाते हो समझे शर्त जीत गए हो पार्टी वार्टी दे रहे हो इसलिए कहते हैं कि एक औरत साथ देती है मेरे घर पर तो दो दो औरतें हैं हे पहले इसकी कहानी खत्म होने दो चुप बैठो हाँ बोलो अरे ये तो मुकेश जी है सर एक सेल्फी चाहिए सेल्फी ओ, सर आप थोड़ा पीछे जाइए ना थोड़ा हंसिए सर एक और यही वजह है कि मैं फिल्मों में काम नहीं करता पता नहीं कौन कहाँ चिपक जाए थैंक्स मिस्टर मुकेश हाँ जी आपका सिलेक्शन सच में बहुत बढ़िया है ओ ठीक है फिल्मों में जैसे दिखते हैं वैसे ही दिख रहे हैं फिर आगे क्या हुआ सुधीर बताओ आगे 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 दुबे आगे क्या हुआ हमारे कुछ स्टूडेंट्स के पास घर पर होम थिएटर्स हैं तो क्या हमारा स्कूल में फिल्म शो करना जरूरी है मुझे तो लगता है पेरेंट्स की परमिशन के बिना ये करना सही नहीं होगा मैंने बस अपना ओपिनियन रखा अब तारे जमीन पर जैसी फिल्म बच्चों को साथ में देखना चाहिए ना 7 बजे के बाद भी तुम सब लगे पड़े हो इतना बड़ा चमत्कार मैंने पहली बार देखा है निर्मला ये लिस्ट कैसी है कल्याणी अब तुम कैसे जाओगी जाके मैम को दिखा दो मैं चली जाऊंगी कोई दिक्कत नहीं है अरे नहीं सुधीर हाँ जाते समय कल्याणी को भी घर छोड़ देना बहुत देर हो चुकी है अरे नहीं मैम मैं चली जाऊंगी वैसे भी मेरे पास गाड़ी नहीं है होती तो भी तुम्हें ड्राइविंग कहाँ आती है हमारे पास गाड़ी है तुम बस उसके साथ चले जाना स्कूल में जो फिल्म दिखाई थी वो बेस्ट फिल्म है ना तारे जमीन पर क्या कहा कुछ नहीं तुम कौन सी गूगल हो तारे जमीन पर में क्या प्रॉब्लम है बच्चों के लिए इतनी खास क्यों है वो फिल्म इट्स अ फिल्म फॉर पेरेंट्स वो फिल्म बच्चों की नहीं होती जिसमें वो अभिनय करते हैं बल्कि जिसे वो एंजॉय करते हैं वो फिल्म होती है मैंने तो ये सोचा ही नहीं तुम कैसे सोचोगी जब दायरे से बाहर निकलोगी तभी तो दुनिया देखोगी क्या कहा नथिंग मेरे कुछ पेट नेम है चुड़ैल गूगल भी कहते हो तुम शादी तोड़ने वाली बढ़िया है तो आपका असली नाम क्या है मैडम कल्याणी अच्छा बच्चों के लिए कौन सी फिल्म अच्छी होगी सजेस्ट करो ना तुम खुद ही ढूंढ लो तो तुम्हें नहीं पता सुबह से तुम इस लैपटॉप के बटन दबा रही हो थोड़ा रेस्ट कर लो गिव टू मी You can read for yourself. सुधीर ये तुम्हारा ब्लॉग है नहीं ये मेरे दादाजी का है सुधीर ये बुक तुमने पढ़ी है क्या नहीं ये बुक्स मैंने खा ली हैं। तुम अकेली दिमाग वाली हो क्या Thank you.
हम पहुंच गए कल्याणी टीचर। ठीक है भैया। हाँ सारे फूल राधा ने छू लिए और उसके छूते ही फूलों का रंग बदल गया। अच्छी भावना है। कौन है ये राधा? शीला? मैंने ही लिखा है पर बस वो एक याद बनकर रह गई। I'm sorry from the bottom of my heart। तुमसे आज बात करके सुधीर अचानक से मुझे मेरा भाई याद आ गया। अच्छा होता मेरा पिता नहीं आया। मेरा भाई भी हकलाता था बचपन में, उसे बहुत परेशानी हुई। स्पीच थेरेपिस्ट बनने का इंस्पिरेशन मुझे उसी से मिला। वो अब इंफोसिस में प्रोजेक्ट मैनेजर है। अक्टूबर में बैंगलोर में मैं नई नौकरी ज्वाइन करने वाली हूँ। तब तक के लिए तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। तुम्हारी दादी थोड़ी सी क्रैक है ना? जिन औरतों के पैर कब्र में लटके वो उनको संगीत सिखा रही है। ऐसा क्यों? वो संगीत नहीं सीख सकती? बचपन से ही दादी ने ही मुझे संभाला है। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी मेरे लिए गुजार दी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा घर मेरी फेवरेट जगह है। क्या बुड्ढी सोने चली गई? क्या मतलब? तुम्हारा कोई बुरा इरादा है क्या? गुड नाइट। ओके, नाउ इमेजिन यू आर अ वॉरियर। वॉरियर? मेल गिब्सन, ग्लैडिएटर। व्हाट डिड द वॉरियर टेल यू? वॉरियर सेज आई एम फ्री। द वॉरियर सेज वॉरियर सेज आई एम ब्रिलियंट। द वॉरियर सेज आई एम परफेक्ट। एक्सीलेंट। मैंने तुम्हारा लीव एप्लीकेशन देखा। श्रीदेवी मैडम को मैंने पहले ही बता दिया है 25 डेज मेरा कंटिन्यूस शूट चलेगा। ये मेरी पहली फिल्म है ना? वही। अगर तुम छुट्टी पे चले जाओगे तो क्लास कौन हैंडल करेगा? वैसे तो मेरे सारे पीरियड्स सब्जेक्ट वाले टीचर्स ले लेते हैं, अगर इस बार भी ये कर दिया जाए तो। स्कूल के रूल्स किसी एक आदमी के लिए बदले नहीं जा सकते। तो सर अभी मैं क्या करूं बताइए। अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम ठीक से सोच के मुझे बताना। अभी स्कूल को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने दो नाव पे सफर किया तो हम में से कोई हेल्प नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना? मैं रिजाइन कर देता हूँ सर। अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें वही काम करना है तो तुम्हें समझा के कोई मतलब नहीं है, है ना? श्रीदेवी मैडम और करण सर को मैं बता दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे और तुमने तो अब नौकरी भी छोड़ दी है। तुम हिम्मत से काम लो। मेरे पास कोई घर नहीं है, ना कोई रिश्तेदार और ना ही तनख्वाह है, पर मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, ये मुझे विश्वास है। ऐसे जिंदगी का क्या फायदा जब माँ बाप ही साथ ना हो। 2 दिन पहले ही एक रिश्ता आया है, शायद पापा वो रिश्ता पक्का कर देंगे। मैं अब क्या करूं बताओ। करण सर से बना के रखना, अगर फिल्मों में बात नहीं बनी तो तुम वापस लौट सकते हो। ऐसा क्यों करूंगा? नहीं सुधीर, दुनिया बहुत ही बड़ी है। मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूं और पढ़ा लिखा हूं। वैसे भी सिर्फ 3 टाइम के खाने की तो बात है। तुम तो जानते हो ना, अभिनय कभी मरता नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है पर पहली बार इतने कॉन्फिडेंस वाले इंसान को देख रही हूँ। मान गई, सुपरस्टार बनने के बाद हम लोगों को भूल मत जाना। कोशिश करूंगा पर मैं इसको भूल जाऊंगा। थैंक यू सर। तुम भी आई हो क्या?
ग्रेगन हमें छोड़कर जा रहा है तो ये बहुत दुखी हो रहा है। तुम दुखी क्यों हो रही हो? मेरा बेटा भी ग्रेगन की तरह बड़ा स्टार बनेगा। ये इसकी बहुत बड़ी फैन है माँ। क्या कहा तूने? माँ मैं चाय बनाती हूँ। क्या हुआ? पता है तुम्हारा इलाज कमाल का है। मैं अभी तक माँ ठीक से नहीं बोल पाता था। अच्छा अच्छा तुम बेंगलुरु कब जा रही हो? अभी नहीं, उसके लिए टाइम है। ग्रागोन से दोबारा मिल पाऊंगा कभी? कुछ लोग मेरी लाइफ से ऐसे निकल गए हैं, शायद मेरी गलतियों के कारण। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? नेगेटिव थॉट्स सिर्फ औरतों के होते हैं। अब निर्मला को ही ले लो, ग्रागोन की नौकरी चली गई तो उसने उसे छोड़ दिया। तो वो और क्या करती? तुम्हें उसके घर के हालात तो पता है ना? तो उसे घर के हालात देखकर उसे प्यार करना चाहिए था। धोखेबाज कहीं की, आजकल कोई भी वफादार नहीं है। मैं भी मैंने तो सच में सच बताओ। देखो मुझे छुओ मत, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। मुझे मार्शल आर्ट आता है। मार्शल आर्ट्स मुझे भी देखना है। मेरा हाथ पकड़ते हो? सॉरी। लड़की का हाथ पकड़ते हो और सॉरी बोलते हो? कंप्लेन कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? जाओ कर दो। Will you marry me? क्या? तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है क्या? बकवास मत करो। शादी को तुमने तमाशा समझ रखा है क्या? तमाशा नहीं है सुधीर, मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले हमेशा जल्दबाजी में लिए और अब तक मैं गलत नहीं हुई हूँ। I'm serious. तो तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की याद दिलाता हूँ। ओह तो क्या? तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। सुधीर मैंने ये दुनिया देखी है और बहुत से लोगों को जानती हूँ, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ? पानी चाहिए? नहीं इसके रुक जाइए, शॉक लगा ना इसलिए आ गई। क्या मैं जवाब थोड़ा सोच के दूं? अच्छा ठीक है, कब बताओगे तुम? अभी तो नहीं कह सकता, कब बता सकता हूँ। ठीक है, I'll wait. अरे इसमें सोचने वाले क्या बात थी, तुम्हें तभी हाँ बोल देना चाहिए था। जानते हो एक औरत का मन कब बदल जाए हम कह नहीं सकते। बहुत ट्रैफिक है, देर हो जाएगी। कोयम्बटूर के बाद रूट चेंज हो जाएगा। वक्त पे नहीं पहुंचा तो वो सोचेगी मैंने उसका अपमान किया है। तुम यहाँ तक पहुँचे हो सुधीर, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुँचना था। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। बेंगलुरु जा रही हो क्या? हाँ। मुझसे एक वादा करो,
तुम अगर शादी करोगी तो मुझे नहीं बताओगी। Why? I'll stop trying. बेटी ये भजिया लेकर आई हूँ। इसके साथ अगर लाल चटनी रहेगी तो बेस्ट है। पहुंच के फोन करती हूँ दादी। ये मैं उठाता हूँ। मैं यहाँ कोशिश करता रहूँगा, ये मत भूलना। सही वक्त आने पर मैं वहाँ आऊँगा। बाय। अरे अगले हफ्ते जाना है ना तुझे, तू अभी से टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ? टेंशन नहीं ले रहा हूँ यार। वो देख सुधीर आ रहा है। हाँ क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं, विजिटिंग वीजा पर जा रहा है क्या? पहली बार जा रहा हूँ, मेरे पास 3 महीने हैं, इतने ही टाइम में काम ढूंढना होगा। सब ठीक होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सेतु है ना, उसको अपना घर बेचना है, कितना मिल सकता है? मुझे नहीं पता। डील हो गई तो तेरा कमीशन पक्का, क्या बोलता है? अच्छा बुला लो, शाम को बैठकर बात करते हैं। कमीशन की बात की तो अंदर का बिजनेसमैन बाहर आ गया। तू बहुत बिजी है। हाँ क्या हुआ? वो मुझे घर तक ड्रॉप करेगा क्या? नहीं तो वो पैसे ले लेगा। तुम्हारे पास पैसे है ना, दे दो उसको, डोसा खाएगा। तू कभी नहीं सुधरेगा। अब चल देख क्या रहा है। हैं? कहाँ जा रहा है तू? कोडाईकनाल जा रहा हूँ। कोडाईकनाल जा रहा है? हाँ भाई, कल सुबह निकल जाएंगे। मोहन और बिजू भी साथ जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं हम लोग। बाइक से? और तुम्हारे स्कूल का क्या? छुट्टी की अर्जी दे दी, कारण सन्माने तो ठीक, नहीं तो निकाल देंगे, तो भी कोई बात नहीं। तुम्हें आखिर हुआ क्या है बेटा? हाँ? पर तुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? वहाँ हमारा कोई नहीं रहता बेटा, अगर कुछ मुसीबत आए तो कौन देखेगा तुझे? कुछ नहीं होगा माँ, अगर हम डरते रहे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ ये बात सही कही। वैसे हम फिर शुरू हो गए आप? तुम दोनों को जो करना है करो, मेरी बात तो सुननी ही नहीं किसी। बढ़िया, तुम ना बोलो वही अच्छा है। हाँ माँ चिंता मत करो, बस 2 दिन की तो बात है। वो श्रीदेवी टीचर आई है, मैंने उससे अंदर आने के लिए कहा लेकिन वो आना नहीं चाहती। क्या हुआ मैडम? आपने आने की तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। ये क्या है सुधीर? हम इतने सालों से पीटीएफ फंड, कॉमन फंड बच्चों से लेते आ रहे हैं, वो पैसों का क्या हुआ? मुझे नहीं पता मैडम। करण सर के पर्सनल अकाउंट में बहुत बार लाखों रुपए ट्रांसफर हुए हैं, ये नहीं पता आपको? हम पर विश्वास करके माँ बाप अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ जाते हैं, कितनी मेहनत से कमाते हैं वो। तुमने जो किया ठीक नहीं किया। सच में मुझे नहीं पता। करण सर के साथ काफी बहस करने के बाद ही मैं यहाँ पर आई हूँ। कल मुझे विजय सर से बात करनी होगी, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर तुम साथ नहीं दोगे सुधीर तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। तू पता करती आखिर बात क्या है, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। Thank you.
बेटिया तारा। ए, वो तुझे सुन नहीं सकती है यार। बेटिया मेरी तरफ देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन तू इसे मेरे घर क्या हुआ इसे? मैं अभी आता हूँ। अरे पर तू जा कहाँ रहा है? सर ये मत कीजिए प्लीज सर, वो बच्ची मैडम के बिना नहीं रह पाएगी। उसे बाहर हो जाना चाहिए था। कल की पीटीए मीटिंग में मेरा यही एजेंडा होगा। मैं उसकी गूंगी बेटी की मदद करना चाहता था, वो मेरे सर चढ़ के नाचेगी। वो मुझे जानती नहीं है। सर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अभी नहीं किया तो तुम फंसोगे और बाद में मैं। बोलो क्या करूं? तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ पता है ही नहीं। आई बात समझ में? लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे संभालना है। गाड़ी निकाल रहे। अरे आराम से उठाओ भाई, आराम से। उसने तुम्हें क्यों बुलाया है? मुझे नहीं पता। अगर उसे कुछ पता चला ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। तूने मुंह खोला तो तेरी खैर नहीं। आओ सुधीर, तुमने मुझे ऐसे धक्का क्यों मारा? सॉरी सर। मैं बस मजाक कर रहा हूं, बैठो। मुस्कुरा दो भाई, I'm perfectly all right। मैंने सुना कि लोग तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं, इसीलिए तुम्हें बुलाया। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसके बारे में इतनी टेंशन मत लो। सुधीर दरअसल मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और ये पैदाइशी डिफेक्ट है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। और कल स्कूल में भी बहुत टेंशन थी इसी वजह से। विजय को हार्ट का प्रॉब्लम है, ये हमेशा ये बात भूल जाता है, यही प्रॉब्लम है। अपना ध्यान रखना चाहिए ना। इसीलिए तो मैंने शादी डॉक्टर से की है। 24 घंटे ट्रीटमेंट चलता रहता है। इस कंडीशन में मैं हाइकिंग और स्विमिंग नहीं कर सकता, पर मुझे ये करना पसंद है, क्या कर सकते हैं। हम दोनों एक ही चिड़िया के दो पंख हैं। तुम्हारा हकलाना और मेरी हार्ट प्रॉब्लम, बस इतना ही डिफरेंस है। थोड़ी खीर खाओ बेटी। बेटी ये आम का अचार खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे ले जाओ ये अचार वाचार, इतने छोटे से बच्चे को कोई अचार देता है? स्वाद बदल जाएगा। खाओ बेटा, बस थोड़ा सा खा लो बेटा। ये क्या कर दिया? अरे तू यहाँ इसे क्यों लेकर आया है? सुबह से इसने पानी का एक बूंद नहीं पिया। अगर इतने छोटे से बच्चे को कुछ हुआ तो लोग हमें क्या कहेंगे? तुम ऐसे चुप क्यों हो भला? हैं? कुछ नहीं। बोल ना बेटा, ये सब क्या है, क्या परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। चलो मुझे खाना दो, मैं इसे खिलाऊंगा। हे भगवान, क्या मुसीबत है ये। लगता है इसे खीर पसंद नहीं है। हम इसे चावल खाने को दें क्या? नहीं कोई जरूरत नहीं, आप जाइए पापा। हाँ।
कुछ भी हो जाए कल मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। नहीं चलना है क्या सुधीर? तो फिर कहाँ जाओगे? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाओगे? वहाँ पर क्या काम है तुम्हारा? अच्छा बैठ जाओ, तुम्हें स्टेशन छोड़ देता हूँ। अरे क्या भाई, शाम में बात करता हूँ तुमसे। अरे राजू भाई चलो। स्कूल नहीं जाना क्या? चलो 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 जल्दी करो चलो। तुम्हें कहाँ जाना है? पुलिस स्टेशन। तो ये सब कुछ करण ने ही किया है या तुम कोर्ट में गवाही दोगे? क्या हुआ, तुम डर के मारे कांप क्यों रहे हो? हकलाता हूं सर। तुम गवाही दोगे? दे दूंगा सर, मुझे किसी का डर नहीं। मैं कहीं भी आऊंगा और गवाही दूंगा। मैडम निर्दोष है सर। जिंदगी में वो सबसे खूबसूरत दृश्य देखा था मैंने। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी नौकरी और मेरे डर दोनों से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। मैं रिजाइन कर रहा हूं सर। पुलिस ने मेरे खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया है, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट्स ऑल दिस फॉर? मानता हूं इससे स्कूल की रिपोर्टेशन खराब होगी, लेकिन हम साथ में काम करेंगे और इसे सुलझाएंगे, और जरूरत भी यही है। तुम इससे इतना डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूं सर, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मेरा डर स्कूल की चार दीवारी से बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, यही मेरा डर है। पर अब मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो फिर मुझमें कुछ करने की हिम्मत कभी भी नहीं आएगी सर। और मैंने स्कूल के साथ जो किया वो बिल्कुल ही गलत किया सर। आप मुझे जाने दीजिए सर। आई लाइक यू सुधीर, दिस इज माई कार्ड। तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो,
तुम्हारे लिए स्कूल का दरवाजा हमेशा खुला है। थैंक यू सर। उस हादसे के बाद करण सर ने भी स्कूल मैनेजमेंट से रिजाइन कर दिया। पुलिस केस कॉम्प्रोमाइज के कारण वापस हो गया। धीरे धीरे उसे भुला दिया गया और स्कूल ने मुझे भी भुला दिया। उसके बाद मेरी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। शुरुआत में मैं पानी से बाहर निकली हुई मछली की तरह था। पता नहीं था अब क्या करूं और कहां जाऊं। मेरे बेटे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुख पाने के बहुत से तरीके होते हैं। हाँ, शान की जिंदगी नहीं होगी बस। आज 30 जून है और आने वाले 30 दिसंबर तक मैं नौकरी ढूंढ लूंगा बिना किसी की मदद के। ये मेरा आपसे वादा है। मैं हक लाता बजट सो के। यस सर। हाँ, आई हैव एन इंटरव्यू है। आई एम सॉरी। आपको कितने लोग इस तरह हंसा पाते हैं जो यहाँ पर आते हैं? मैं ये आसानी से कर सकता हूँ। मिस्टर सुधीर, यू हैव क्लियर द रिटन एग्जाम्स। अगर बैंगलोर में तुम्हारी पोस्टिंग होगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आई सी यू हैव एन अस्थमा प्रॉब्लम हियर। नेवर। इफ यू गिव मी अपॉर्चुनिटी I will put my life into it. That's my promise. चलता हूँ। आ जाओ सर, बैंगलोर आ गया। आपको कहाँ उतरना है? कलाचीपाड़ा। कलाचीपाड़ा? आपको सर? मारतली। मारतली नहीं रुकती है सर, उससे पहले आपको उतरना पड़ेगा। बैठने से पहले आपको पूछना चाहिए था सर, आपको कहाँ जाना है भाई? I want to get down at मडीवाला। ओके सर।
ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, कांग्रेचुलेशंस। क्या तुम अभी भी उस साइकोलॉजिस्ट एसएसजी से ट्रीटमेंट के लिए संपर्क में हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब उसकी जरूरत है। बाद में देखूंगा। जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थिति में भी आई ऑलवेज हैड होप। शायद उसी वजह से आज मैं यहां पहुंचा हूं। समय पर पहुंच गया, बहुत बहुत खुशी हुई। तो मैं चलूं? ठीक है। बाय। सुधीर। अरे लोग आपको देख लेंगे सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यही है तुम्हारा स्कूल? हाँ। वहाँ कौन कौन होगा? सभी होंगे सर, एनुअल डे है ना। क्यों सर? मैंने तुम्हारी कहानी इतनी देर तक सुनी, मुझे तुम्हारी कहानी के किरदारों से मिलने का बहुत मन है। वहाँ पहुँचने से पहले हम मिलने तो दुबे। पर हमारा शूटिंग का शेड्यूल है ना सर। अरे भाई सिर्फ 5 मिनट की बात है, तुम भी चलो। आपको देख के लोग चौंक जाएंगे। मैं इतना डरावना दिखता हूँ क्या? आप कहीं इस कैरेक्टर पे फिल्म बनाने की तो नहीं सोच रहे ना? वैसे ये कैरेक्टर अच्छा है ना? आपको बाद में बताऊंगा। पापा इन्हें पहचाना कि नहीं? नमस्ते जी। हाँ। मैंने आपको जरूर कहीं देखा है। अच्छी आप ही ना। हाँ। ये उस बड़ाई बंगलो शो में आते हैं ना। याद आया। ये डॉक्टर जी हैं। हेलो सर, ये इनकी वाइफ। हाँ। चौथी है ना? हाँ? चौथी। ये निर्मला है। ग्रेगन ने बताया था। नमस्ते सर। अब नमस्ते। तुम करण हो ना? स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर? तुम भी यही काम करते हो? हाँ नहीं सर, अब मैं अपना बिजनेस करता हूँ। मेरी पोती यहाँ पढ़ती है सर, इसलिए यहाँ आया हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये मेरी वाइफ कल्याणी। ये कैसे हुआ? असिस्टेंट मैनेजर के प्रमोशन के बाद सबसे पहले मैं गया कल्याणी से मिलने। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। दाढ़ी में हैंडसम लग रहे हो। तुम्हारा बैंक का काम कैसा चल रहा है? हाँ? तुम्हें कैसे पता मैं यही हूँ? प्यार करती हूँ तुमसे, इतनी तो खबर होगी। लेकिन तुमने फोन क्यों नहीं किया? मैं कोशिश ही कर रहा था, आज हिम्मत जुटा पाया। विल यू मैरी मी? अच्छा है सर, लोकेशन से फोन आ रहा है। हाँ चलते हैं। इसने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं। नाम क्या है बेटा? हाँ? कहीं इसको भी तो अकलाने की प्रॉब्लम नहीं है सर? अब इस अंकल को पहले कहीं देखा है तुमने? I have seen your films. I like most of your vintage comedies. Nice meeting you, sir. I'm Siddharth Vathmikam. Nice meeting you too, young man. Good luck. Thank you. It's a privilege, sir. अगर आप आके ये function inaugurate करोगे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अरे यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है, हमारी जगह सुधीर है ना। चलता हूँ।
दुनिया देखो बहुत छोटी है मेरे भाई, हम फिर कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। ठीक है सर। अपना ख्याल रखना। आज हमारे स्कूल के लिए गर्व का दिन है। इस साल प्लस टू के बैच में टॉप करने वाली एक स्पेशल स्टूडेंट है। आई प्राउडली वेलकम हर टू द डाइस, तारा मेनन। सुधीर, ये ड्रेस तुम्हें याद है, कितनी अच्छी लग रही है ना इस पर। उसकी पहले स्कॉलरशिप से खरीदी गई ड्रेस है ये, तो इसे कैसे भूल सकता हूँ। तारा के सक्सेस के पीछे उसकी माँ और हमारी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीदेवी मैडम जी हैं। इन्होंने तारा के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी गाइड किया। श्रीदेवी मैडम, हमें आप पे गर्व है। बच्चों को अवार्ड देने के लिए आज हमने स्कूल में एक और खास मेहमान को बुलाया है, जो आज यहाँ हम सबके साथ मौजूद है, और उनके बिना शायद हमारी तारा स्कूल में पढ़ भी नहीं पाती। वो हमेशा की तरह अपना नाम लेने से पीछे हटते हैं। So please welcome Mr. Sudhir Valmigam to the stage. एक मिनट गाड़ी रुको। ये बात पूछना तो भूल ही गया कि बेंगलुरु से आते हुए वो कौवा भगाने वाली मशीन लाया कि नहीं। अजी आप बुढ़े हो गए हैं, मशीन की जरूरत नहीं, आप तालियां बजाकर कौवा भगाओ। सर हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। सर वो लोग फुल नाइट शूटिंग के लिए बोल रहे हैं, तो मैं उन्हें मना कर दूं क्या सर? अरे वो तुम्हारी नौकरी का हिस्सा है, हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, समझ गए? इनको अचानक क्या हो गया? ये गाड़ी स्टार्ट कर। सचिन तेंदुलकर की तरह बनना या आमिर खान की तरह बनना, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है जो हो वो बनना। बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो तुम्हें तुम बनने से रोकती हैं। हकलाना मेरी समस्या थी। शुरुआत में मैं हकलाने को छुपाने की कोशिश करता था, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके जीवन में आगे बढ़ना है। हर एक बात और अगर हो सके तो जी भर के हंस लो। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम मान लेते हैं कि हमें कमी है। डर, भ्रम, घबराहट, इन सब का सामना करना चाहिए। हम उन्हें हरा सकते हैं और हमें उन्हें हराना होगा। देन यू बिकम विनर्स एंड चैंपियंस। ऑल द बेस्ट।